जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आने लग रही है। हमारी जो पूरी टीम है लगातार, चाहे कुंडली बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की, लगातार हर पल पल की जो जानकारी है, जो भी एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जो बातचीत होती है, जो सरकार के साथ मुलाकात होती है, हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची और भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बयान दिया है। सर सबसे पहले तो दिलबीर जी राम राम जी, राम राम भाई राम। खट्टर साहब ने एक बात कही है कि हरियाणा किसान का समझ में आएगी, तीन अध्यादेश हैं उनके फायदे के लिए हैं। भैया तो कांग्रेस पार्टी पुकारी है, कांग्रेस चाहे है भाई सरकार टूट जाए, गठबंधन टूट जाए, कांग्रेस तो नहीं है चाहे हरियाणा में। मतलब खट्टर साहब ने यह बात कही है, विपक्ष करवा रहा है, जो ये जितनी भी साजिश है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पर? देखिए जी, ये जो खट्टर है ये एक यूनानी है और इन्होंने सदा भारत में फूट डालो राज करो, ये कहते हैं ना फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेजों की नीति नहीं थी, इससे पहले 2300 साल पहले ये यूनानियों की थी, जो सिकंदर के साथ आए थे उन्हीं में से रहा है, एक नुमाइंदा है ये खट्टर भी। और इसका तो काम ये है फूट डालो राज करो। अब ये फूट डालना चलता है हरियाणा और पंजाब के किसानों में। मैं खट्टर को बता देना चाहता हूँ, हरियाणा और पंजाब तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान के किसानों में आप फूट नहीं डाल सकते। अरे खट्टर जी कुछ शर्म करो। एक खट्टर जी, मुझे तुम जानते हो, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर हूँ, जला जींद और बीबीपुर गांव है। क्या मैं टिकरी बॉर्डर पे दरी बनाने की खड्डी लगा रहा हूँ? क्या मैं टिकरी बॉर्डर पे फड़ों की रेडी लगा रहा हूँ? अरे मैं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हुआ हूँ। अरे खट्टर, अरे वो बेशरम आदमी, कुछ लिहाज करके, कुछ शर्म करके बात कराया कर। ये देखिए चंदर बीबीपुर से, ये देखिए भाई कपूर सिंह पोकरी खेड़ी से, ये देखिए भाई दूसरे गांव से, ये देखिए बारू राम, ये देखिए हर गांव से, हर पंजाब के साथ, हाँ हर जिले से। ये तो पंजाब के भाई हैं, चलो ये मैं हरियाणा के दिखा रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जिले से, हर गांव से यहाँ पहुंचा हुआ है। इस बेशरम आदमी की आंखें खोलने के लिए ये आदमी दिखाए हैं, ये सभी हरियाणा के हैं। ये कहता के समझ में आ गई हरियाणा वालों को, बिल्कुल एक बात जरूर समझ में आ गई, ये समझ में आ गई कांग्रेस तो हमारा धन धन लुटा कर दी, ये भी समझ में आ गई बीजेपी हमारा धन भी लूटे है और हमारी इज्जत भी लूटे है। इसका सबूत लोगों मेरी पहले वाली वीडियो में देख चुके होंगे, जो 248,000 बलात्कार हुए हैं उनमें 87% इन्वॉल्वमेंट बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की है। ये देखिए, हमने तो कांग्रेस भी अच्छी थी क्योंकि वो हमारा धन धन लूटती थी, अब बीजेपी का क्या करें, धन के साथ साथ ये इज्जत भी लूटती है। इसका बाज आना चाहिए इस खट्टर को, ये खट्टर बेशरम और बदमाश आदमी है, ये यूनिवर्सिटियों में सोता है। अब लड़कियों की यूनिवर्सिटी में इसका सोने का बनता है कि नहीं बनता है, ये बताइए। ये बेहद बेशरम और स्वार्थी और बेईमान आदमी है, ऐसे ऐसे गिरे हुए आदमियों को राज में बिठा देते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। पूरा हरियाणा टिकरी बॉर्डर पे बैठा है और ये आरामखोर कहता हरियाणा को समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी, मारा ये समझ में आएगी अब की बार तारा जूत मारांगे इलेक्शन में जूत। हाँ जी और बोलिए। बात यह जी, चलो भाई देखो अलग अलग जो बयान निकल कर आने लग रहे, मेरा प्रयास था कि डॉक्टर दलबीर से मैं एक बार बातचीत करता हूँ, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से यहाँ पर इनका पूरा गांव यहाँ पर बैठा है टिकरी बॉर्डर के ऊपर, पर इनका ऐलान है कि जब तक इनका जो MSP वाला कानून, जो तीन नए कानून बनाए भारत सरकार ने, किसानों का कहना कि वो काले कानून है, जब तक वापस नहीं होते तब तक ये नहीं जाएंगे। अच्छा जी, ये तो था बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान। अब है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जी, जो बीजेपी की सांसद है, उनका बयान आ कि ये जो तो देश विरोधी बैठे हैं यहाँ पर, भाई जो इसको हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन को, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, देश विरोधियों का आंदोलन है। देखिए जो ये प्रज्ञा ठाकुर है, पहले तो इसके बारे में मुझे पता है दो तीन बातें, ये आतंकवादी गैंग में थी और इसके ऊपर आरोप भी लगा था ये आतंकवादी है और ये जेल में भी गई थी और जेल में भी इसका आरोप सिद्ध होना था, क्योंकि सेंटर में इनका राज आ गया और सेंटर के राज से कोर्ट दबाव में रहता है और सेंटर ने अपनी
काली करतूतों से प्रज्ञा ठाकुर को छुटा लिया, नहीं तो इनका राज नहीं होता तो आज वो उम्र कैद या फांसी पे होती, क्योंकि वो आतंकवादियों में शामिल थी। अब वो कह रही है हम देशद्रोही हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, हम देशद्रोही हैं, हम इस पूरी दुनिया को अन्न खिलाते हैं, हम इसलिए देशद्रोही हैं, हम धरती का सीना पाड़ते हैं इसलिए देशद्रोही हैं, हम अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं और अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं इसलिए हम देशद्रोही हैं, हम अपने देश को चलाने के लिए अब मेहनत और कड़ी मेहनत परिश्रम करते हैं इसलिए हम देशद्रोही हैं, और इस देश में कोरोना जीएसटी और डेमोनेटाइजेशन से हर फैक्टर माइनस में चला गया और कृषि का फैक्टर 3.4 प्लस में था इसलिए हम देशद्रोही हैं, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं इसलिए हम देशद्रोही हैं। देखिए ये मोदी नोटबंदी कर देता है जिसे पूरा देश गड्ढे में चला जाता है, ये देश भगत है, ये झूठ बोलता है 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, देखिए ये देश भगत है, ये कहता है मैं बहू बेटियों की इज्जत लूटनी बंद कर दूंगा, देखिए मोदी और प्रज्ञा ठाकुर देश भगत है, देखिए ये कहते हैं जो हमारे सेना के 48 जवान मरे थे उसका बदला लेंगे, आज तक नहीं लिया, और ये देश भगत हैं, और ये कहते हैं हम काला धन ले आएंगे और आज तक नहीं लाए, ये कहते हैं देश भगत हैं, और ये कहते हैं देश को गर्त में जाने से बचा लेंगे और आज हमारा हर सेक्टर माइनस में चला गया, देखिए ये देश भगत हैं। आज अन्नदाता जो पूरी दुनिया को खिलाने वाला है उसके ऊपर इसकी कोई दया कोई फेवर नहीं, और ये ठंडी में सर्दी में दिल्ली चारों तरफ से बैठा हुआ है और इसके प्रति उसका कोई अच्छा ख्याल नहीं, और कहता है हम देश भगत हैं, ऐसे देशभक्तों को खाक में जाएं, ऐसे देशभक्त एक मिनट में फना हो जाएं, हमें कोई लगाव नहीं, ये 2 कौड़ी के राजनीतिक हैं, असली मायने में हमें जो देशद्रोही कहते हैं असली मायने में वही लोग देशद्रोही हैं, अरे हम देशद्रोही हो गए क्या, अरे इस देश को चलाने वाले हैं हम, इस देश को खिलाने वाले हैं हम, इस देश को पालने वाले हैं हम, बताओ हमें ही देशद्रोही बोला जा रहा है, कमाल हो गया, बेशर्मी की हद है, ये जो मोदी है ये लुचा गुंडा बेईमान और स्वार्थी है, ये बेहद बदमाश और खिड़की आदमी है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, हम जिस तरह से धरती का सीना चीरते हैं, ए 2 कौड़ी के राजनीतिक, हे 2 कौड़ी के राजनीतिक, इसी तरह तेरी छाती को चीर देंगे और चीर के तेरी छाती को संसद पे चढ़ जाएंगे और चढ़ के संसद पे इन किसानों की हक की लड़ाई के फैसले हम खुद किसान लेंगे, ये मैं वादा करता हूँ मोदी सरकार, अरे विरोधी सरकार, अरे खड़ूस सरकार, अरे लालची सरकार, अरे गंदी सरकार, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल्कुल भाई, एक किसान का दर्द आप देख सकते हो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के ऊपर, और जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान आ था, जो सांसद है, जो उन्होंने बयान दिया था कि देश विरोधी ताकत इसको सपोर्ट करी है, देश विरोधी जो ये आंदोलन है इसको बार बार बताया जा रहा था, क्योंकि 3 जो अध्यादेश उन्होंने कहा था कि किसानों के हितों के लिए, उसको लेकर के जो किसान है दलबीर जी उनसे बातचीत, आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिक रिपोर्टर से मैं जब भारद्वाज।